चैंबर द्वारा बंद का आह्वान के बाद पुलिस ने आम लोगों और जिला के व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि पुलिस कारोबारी दीपक अग्रवाल पर हुए गोलीबारी की घटना का जल्द उद्भेदन करेगी। वही पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा से निभा रही है। साथ ही व्यापारियों द्वारा बंद के आह्वान पर DSP ने कहा कि वह उनका मौलिक अधिकार है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पुलिस का खौफ कायम है। कुछ माह से कुछ एक आपराधिक घटनाएं जो कि संगठित अपराध कर्मियों के गिरोह के द्वारा कारित की गई है, जिनका कि बखूबी पुलिस के द्वारा पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए उद्भेदन प्रायः सभी कांडों का किया गया है। मूल रूप से पुलिस के तीन काम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का है। यदि कोई क्राइम प्रिवेंट नहीं कर पाती है पुलिस, तो उसके बाद यदि कोई इंसिडेंट घटित हो जाती है तो उसके बाद उसका डिटेक्शन है, और डिटेक्शन यदि हो जाता है तो उसके बाद उसका बेहतर तरीके से उस पर अभियोग चलाना या प्रोसिक्यूशन का काम है। तो धनबाद पुलिस ये तीनों काम बेहतर तरीके से कर रही है। जहाँ तक विगत कुछ दिनों में, दो दिन पहले एक बैंक मोड़ में घटना घटित हुई थी गोलीबारी की। एक व्यवसायी को, कार सेंटर के जो ओनर हैं उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई थी और वो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। तो हम लोग उस घटना के उद्भेदन के साथ साथ अन्य जो भी संगठित अपराध कर्मी हैं या उनके गिरोह के जो भी सदस्य हैं, चाहे वो फिरार हों या जेल के अंदर हों, उनके विरुद्ध हम लोग एक बृहद कार्य योजना के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी कांड अनुद्भेदित हैं, विशेषकर अभी जो दो दिन पहले घटना घटित हुई बैंक मोड़ में,